एक फिल्म डायरेक्टर हैं एसएस राजामौली, उनका एक ट्वीट मेरी नज़र में पड़ा और जो शिकायत वो कर रहे हैं वो वाकई ठीक है। उनकी शिकायत पर गौर कीजिए। वो लिखते हैं, डियर दिल्ली एयरपोर्ट, अराइव्ड एट 1 AM बाय लुफ्तहांसा फ्लाइट। फॉर्म्स वर गिवन टू फिल फॉर द आरटीपीसीआर टेस्ट। ऑल द पैसेंजर्स वर सिटिंग ऑन द फ्लोर्स और प्रॉपिंग अगेंस्ट द वॉल्स टू फिल द फॉर्म्स। नॉट अ प्रेटी साइट, प्रोवाइडिंग टेबल्स इज अ सिंपल सर्विस। क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर टेबल भी नहीं है कि लोग दीवारों के सहारे खड़े होकर फॉर्म भर रहे हैं और जैसा कि लग रहा है किसी इंटरनेशनल फ्लाइट से आए हैं, तो कुछ विदेशी मेहमान भी होंगे। ये क्या तरीका है? वो आगे लिखते हैं, एंड सरप्राइज टू फाइंड सो मेनी स्ट्रे डॉग्स इन द हैंगर आउटसाइड द एग्जिट गेट। अगेन नॉट अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इंडिया फॉर द फॉरिनर्स, प्लीज लुक इन टू इट, थैंक यू। बिल्कुल सही ट्वीट है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। देश का जो पहला इंप्रेशन है, मान लीजिए कोई पहली मर्तबा इंडिया आया होगा, तो वो क्या सोचेगा कि हमारे एयरपोर्ट्स पर प्रॉपर टेबल्स भी नहीं है, कि हमारे यहाँ स्ट्रे डॉग्स अंदर तक आ जाते हैं। ये सारे अरेंजमेंट दिल्ली एयरपोर्ट को करने चाहिए। और अगर आप लोग भी इस तरह की अव्यवस्था कहीं पर भी देखें, उसे सोशल मीडिया पर ज़रूर बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया ही वो जरिया है जहां पर हम अपनी बात खुलकर लिख सकते हैं। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स तो वही दिखाएंगे जिसमें उनका उनको लगेगा कि TRP मटेरियल है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हमारे आसपास होती हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसके बारे में लोगों को बताएं, जागरूक करें। आप सोचिए, जो लोग दिल्ली नहीं भी गए हैं उनको अपने घरों में बैठे बैठे पता चल गया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नज़ारा कैसा होता है। बहुत ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि जब तक इस तरह से बताया नहीं जाएगा सुधार नहीं आएगा। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी को डेफिनेटली इस पर कदम उठाने चाहिए इस दिशा में। और मैंने देखा है कई सारे हमारे देश के रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन, आप लोग भी देखते ही होंगे कि कितनी दुर्गति रहती है। तो उस तरफ अगर काम नहीं हुआ तो फिर हम जो विकसित देश का सपना है वो हमारा सपना ही रह जाएगा। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा।